शिवराज सिंह के केंद्र में जाने और रामनिवास रावत के कांग्रेस से भाजपा में आने के कारण रिक्त हुई बुधनी और विजयपुर विधानसभा में 13 नवंबर को मतदान होगा। बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही श्योपुर और सीहोर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर 2024 से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर 2024 तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 327 है एवं 156 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 363 है। आयोग ने शिवपुर के विजयपुर विधानसभा और सीहोर की बुधनी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा कल 15 अक्टूबर 2024 को कर दी। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि शिवपुर और सीहोर जिले में पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी। रूपरेखा है वो इस प्रकार है, 18 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे, इसी दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। जो संवीक्षा है, जो स्क्रूटनी है, वो 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान की तारीख 13 नवंबर है और मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।